मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ नारों के बाद पत्रकारों से जबरन जय श्री राम बुलवाने वाले वीडियो ने पकड़ा तूल। सरकार पर उठे सवाल। बैठे हुए किसान कौन है? हिंदू नहीं है बोलो। किसान जो बैठे हुए मोटर पे वो हिंदू नहीं है। जय राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो। लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र होकर निर्वहन करना तो जैसे अब सपने की बात हो गई। जब आपसे कोई आपकी स्वतंत्रता छीन रहा हो, जाहिर सी बात है कि आप उस जगह रहना पसंद नहीं करेंगे। आए दिन हमारे सामने मुस्लिमों के साथ लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन अब ये हिंदुओं के द्वारा दलितों के साथ भी लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अनमोल के साथ में कुछ लोग जबरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अनमोल से कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। और जब अनमोल के द्वारा जय श्री राम के नारे नहीं लगाए गए तो अनमोल के साथ मारपीट की गई और अनमोल को जिहादी भी बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी अनमोल ने खुद अपने ट्विटर के जरिए दी और कहा कि मुझसे डरा धमका कर जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई। जब मैंने मना किया तो मेरे साथ धक्का मुक्की भी की गई। आप लोग वीडियो में खुद ही देख लीजिए। बैठे हुए किसान कौन है? हिंदू नहीं है बोलो। किसान जो बैठे हुए मोटर पे वो हिंदू नहीं है। जय राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, बोलो। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम की एकता को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद को फूलन आर्मी का अध्यक्ष बताने वाले आमिर चौधरी लिखते हैं, अब तक इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों को ही जय श्री राम के नारों से लिंच किया जाता था, लेकिन अब कारवा दलित ओबीसी तक भी पहुँच चुका है। इसी कड़ी में नेशनल दस्तक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए लिखा है, तथा कथित नकली हिंदू संगठनों ने बहुजन पत्रकार को धमकाने की कोशिश की। इस घटना से यही प्रतीत होता है कि ये तथा कथित हिंदू संगठन दलित ओबीसी समाज से आने वाले लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।